एवरीवन, वी आर वी क्या मैं ही हूँ। तो लाइव हो गए हैं और ये जो लाइव जो वीडियो है, जो वीडियो बनेगा वो अपलोड होगा यूट्यूब पे। और ये लाइव करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से अच्छा है इंस्टाग्राम पर लाइव होके मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा। और जो भी लोग इस लाइव को देखेंगे या IGTV वीडियो पोस्ट होने के बाद देखेंगे, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देखिए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज काफ़ी दिन से मैं स्टोरी डाल रहा हूँ और स्टेटस भी, जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे वो स्टेटस भी देख रहे होंगे कि मैं डाल रहा हूँ। एक बुक मैंने ली थी, ये अक्टूबर जंक्शन, ये दिव्य प्रकाश दुबे जी की बुक है और वो ये है दिव्य प्रकाश दुबे। बहुत ही अच्छी कहानी है, रोमांटिक कहानी है और दो लोगों की कहानी है, सुदीप और चित्रा, फिक्शंस हैं दोनों, सुदीप और चित्रा। सुदीप एक बहुत बड़ी कंपनी का यानी यू नो MD रहता है, CEO होता है, एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता है। और चित्रा जो होती है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है, स्ट्रगल कर रही होती है कि वो उसकी कहानियाँ यू नो उसकी कहानियाँ पब्लिश हों, लोगों तक पहुँचे और वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती है कि लोग उसके पीछे भागें और लोग उसको कवर करें एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जबकि सुदीप के पास ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होता है, लोग उसको जानते हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO होता है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता है। दोनों की मुलाकात होती है बनारस में, बनारस में दोनों की मुलाकात होती है, दोनों बातचीत करते हैं पिज्जारिया पे और फिर दोनों बातचीत करते हैं। और फिर सुदीप चित्रा को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वजह से वो उससे बार बार मिलना चाहती है। इस बुक का नाम है अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन, जंक्शन जैसे आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, जहाँ तक रेलवेज के बारे में, रेलवेज का जब जिक्र हम लोग करते हैं तो जंक्शन का यूज़ किया जाता है। अक्टूबर यानी कि अक्टूबर जंक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं वो अक्टूबर के माह में ही होती हैं। दोनों पहली बार मिलते हैं 10 अक्टूबर 2011 को, 10 अक्टूबर 2011 को मिलते हैं और अगले 10 साल तक यानी कि 2020 तक, 2020 तक ये मिलते रहते हैं और साल में एक बार, वो भी 10 अक्टूबर को। अलग अलग सिचुएशंस आती हैं सुदीप की लाइफ में, चित्रा की लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है दोनों की लाइफ अगले 10 साल में। सुदीप जहाँ एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता है, और जो चित्रा होती है वो एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। और लेकिन जब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ये जो सुदीप जो होता है वो उसके उसके ऑफिस में एक सुनैना होती है, अभिजीत होता है, सुनैना होती है जो वो सुदीप की गर्लफ्रेंड होती है, जिससे सुदीप की शादी होने वाली है। और जो सुनैना हो जो अभिजीत होता है वो सुधीर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। सुधीर ने काफ़ी जगह पर काफ़ी लोगों से, मतलब काफ़ी जो उससे भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने अपने उसने अपने शेयर्स बेचे थे, बेचना चाहता है जिसके कारण उसे पैसे मिल सकें और वो अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। उसका मानना यह है कि वो 35 साल में, उसका मानना यह है कि वो 35 साल में रिटायर होना चाहता है और इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाना चाहता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप और एट्सेट्रा चीज़ें। सो
कहानी आगे बढ़ती है। सुदीप अपने लाइफ में बिजी होता है, चित्रा अपनी लाइफ में बिजी होती है। सुदीप धीरे धीरे करके कंपनी के शेयर्स बेचता जाता है, और चित्रा भी अपनी कहानियाँ लिखना शुरू करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और फिर किसी एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग करती है। घोस्ट राइटिंग का मतलब मैं बता दूँ, जैसे जैसे किसी ने एक किताब लिखी, जैसे किसी ने एक किताब लिखी, मैंने वो किताब मेरी लिखी हुई है और किसी और के नाम पे पब्लिश हो रही है, दैट्स कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। तो चित्रा इस तरह से घोस्ट राइटिंग करती है, अपना अपने करियर को एक दिशा देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज़ से खुश नहीं रहती है। अगले 2011, 12, 13, 14, 15 इस तरह से होते होते वो हर 10 अक्टूबर को मिलते रहते हैं, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, कभी बनारस में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी उत्तराखंड में, बहुत सारी जगहों पर। और एक दिन ऐसा आता है सुदीप की लाइफ में कि उसे पता चलता है कि जो अभिजीत और सुनैना एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं, और सुदीप को वो लोग धोखे से CEO की कुर्सी से हटा देते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे होते हैं वो उन लोग के साथ मिले होते हैं, और इस वजह से सुदीप को CEO की कुर्सी से हटा दिया जाता है। उस दिन सुदीप बहुत निराश होता है। वो दिन भी 10 अक्टूबर की होती है, तो सुदीप अपने घर पर यानी कि लखनऊ चला आता है। लखनऊ में उसके पाप मतलब पिताजी रहते हैं, और फिर वहाँ पर चित्रा भी पहुँच जाती है। सुदीप किसी से कुछ बात नहीं करता है। फिर अगले दिन चित्रा और सुदीप घूमने निकलते हैं। अगले दिन चित्रा और सुदीप घूमने निकलते हैं, और पूरा लखनऊ वो लोग घूमते हैं। और फिर आगे जाके जैसे मैंने बताया कि चित्रा एक बहुत बड़ी लेखिका बन जाती है, जो मतलब बैक टू बैक बेस्ट सेलर बुक्स उसकी जाती हैं। उसके साथ एक और लेखिका होती है, सुरभि पराशर। सुरभि पराशर का भी एक किस्सा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सुरभि पराशर होती है, सुदीप के पिताजी जो होते हैं वो चाहते हैं कि सुदीप और चित्रा शादी कर लें, और सुदीप का ये जो अभिजीत वाला केस है वो कोर्ट में पेंडिंग होता है। सुदीप के पिताजी चाहते हैं कि सुदीप और चित्रा शादी कर लें, लेकिन सुदीप और चित्रा इस बात के लिए एग्री नहीं करते हैं। पहले पहले एग्री नहीं करते हैं, फिर बाद में वो दोनों, फिर जो केस चल रहा होता है सुदीप जीत जाता है, उसको शायद 216 करोड़ रुपए मिलते हैं, 216 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिनमें से वो अधिकतर मतलब 50 से 60% की राशि जो होती है वो उसे दान दे देता है। बच्चों में उसके जो माताजी के नाम से ट्रस्ट हैं उनमें वो सारी राशियां उनको दान दे देता है, और खुद जो होता है वो निकल जाता है एक सैर पे, जैसे एक एक सैर पे निकल जाता है। काफ़ी पूरा भारत घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ एक दिन क्या होता है, एक दिन दिसंबर 2019 की बात है, एक दिन उसकी वो एक गांव में जाता है। सुदीप जैसे उसके पास अपनी एक कार होती है जिसमें कैमरा और बाकी सारी चीज़ें, वो एक तरह से एक ये मान के चलिए कि जो कार को अपने घर की तरह वो लेके चलता है। वहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ होती हैं। फिर जहाँ भी वो जाता है, जहाँ के लोग उसे रुकने के लिए ठहरने के लिए जगह देते हैं, वहाँ पर वो उनको इतना कुछ दे आता है कि फिर वो धन्य हो जाते हैं। इस तरह से करते करते वो एक गांव पे पहुँचता है। काफ़ी दूर भ्रमण करते हुए करते हुए करते हुए वो एक गांव पे पहुँचता है, गोरखपुर के आसपास किसी गांव में पहुँचता है। वहाँ पर देखता है कि जो मतलब सरपंच लोग सारे बैठे हुए हैं, जो भी पंच हैं, जो भी सरपंच है, प्रधान है, वहाँ का बैठा हुआ है। कुछ चीज़ें होती रहती हैं गांव के वातावरण के हिसाब से, तो वो वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर जाता है तो उसे कुछ गलत लगता है, तो वो वहाँ पर बोल देता है। और इसके बाद गांव में जितने सारे लोग होते हैं वो उसे
मारने के लिए दौड़ते हैं, वो तुरंत वहां से अपनी कार उठाता है और निकल चलता है गांव के बाहर। गांव के बाहर जैसे ही वो हाईवे पे आता है, एक जो एक ट्रक वाला आकर उसे टक्कर मार देता है, टक्कर मार देता है, जिससे उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। और भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद उसे जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। ये कहानी वहाँ पर उसकी मतलब ये कहानी आगे और बढ़ती है, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद चित्रा आती है, चित्रा फिर सुदीप के घर में ही रहने लगती है। चित्रा अपने अपना पैशन छोड़ देती है, मतलब उसकी जो राइटिंग है वो ये निर्णय लेती है कि वो छोड़ देगी। लेकिन वो ये निर्णय लेती है कि वो उसे छोड़ देगी, लेकिन सुदीप के पापा उसे ऐसा करने से मना करते हैं। आगे क्या होता है, सुदीप ने जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ भी वो सैर करने गया है, जहाँ जहाँ भी वो घूमा हुआ है, वहाँ वो जो भी वहाँ पर महसूस करता है या जो भी फील करता है, वो एक कॉपी में, एक बुक में लिखता रहता है। वो बुक हर साल पब्लिश होती है। और चित्रा मतलब वो बुक हर साल पब्लिश होती है, और चित्रा के जितना ही परफॉर्मेंस उसका रहता है। कभी चित्रा 50 लाख कमाती है, तो वो बुक 30 या 40 लाख तक कमा ले जाती है। उस मतलब इस जो मीडिया होती है उसमें ये बहुत वो होता है, बहुत सारी खुशफुस होती है कि ये सुरभि पराशर है कौन, क्योंकि वो बुक सिर्फ सुरभि पराशर की होती है। लेकिन सुरभि पराशर कभी किसी लिटरेचर फेस्टिवल में, या कभी मतलब सुरभि पराशर का सिर्फ नाम उस बुक में होता है, ना किसी ने सुरभि पराशर को देखा है, ना कभी सुरभि पराशर से कोई मिला है। एक्चुअली सुरभि पराशर का जो किरदार है वो सुदीप की माता जी का नाम है, जो अभी इस दुनिया में नहीं थी। और सुरभि पराशर के नाम से जो भी किताबें छपती थी वो सुदीप लिखता था। ये सुदीप और चित्रा की कहानी एक छोटी सी कहानी थी, शायद मैं शायद से समझा नहीं पाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो भी मैं समरी दे पाऊँ आपको। और फिर मैं एक बार और रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें, दिव्य प्रकाश दुबे की अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन मतलब जिस हिसाब से ये किताब का नाम है, उस हिसाब से ये कहानी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी है। आई विल रिकमेंड यू टू स्टडी दिस बुक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही बात तो रह गई है। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली बुक के रिव्यू पे। ओके।